नमस्कार दोस्तों, पुरातन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय में से एक नाथ श्री कानिपनाथ महाराज की समाधि स्थल मढ़ी में आज हम स्थित है। दोस्तों, मैं हूं फुंजारती और हमारे गुरुजी व्लॉग यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो तीर्थ स्थल है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथड़ी तहसील में स्थित है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और इस स्थल के बारे में जानकारी लेते हैं और इस स्थल का दर्शन करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील में ये स्थान स्थित है। पाथर्डी से पश्चिम में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी पर्वत से बहने वाली पवनगिरी नदी के पास ये मंदिर किला है। इस किले पर श्री कानिपनाथ महाराज ने इसी सन 1710 में फाल्गुन मास की वैद्य पंचमी पर समाधि ली थी, जहां लाखों श्रद्धालुओं की आस्था बसी हुई है। इस किले के 3 प्रवेश द्वार है, महारानी येसुबाई और बाल राजे शाहू महाराज पहले मुगलों के कैद में थे। तब महारानी येसुबाई ने कैद से रिहाई के लिए कानिपनाथ महाराज से मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने मंदिर व किले का निर्माण कराया। इस मंदिर के निर्माण कार्य में यादव, कैकाड़ी, बेलदार, वैद्य, गारुडी, लमान, भिल्ल, जोशी, कुंभार और वडारी सहित कई जाति वर्ग के लोगों ने अपना तन, मन और धन से सहयोग दिया। इसलिए इस तीर्थस्थल को दलितों के पंडरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कई समुदाय श्री कानिपनाथ महाराज को कुल देवता के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है कि कानिपनाथ महाराज हिमालय में हाथी के कान से प्रकट हुए थे। कानिपनाथ महाराज ने बद्रीनाथ में भागीरथी नदी के तट पर 12 वर्षों तक तपस्या की और कई वर्ष जंगलों में गुजार कर योग साधना की। दोस्तों, इस किले को जो 3 दरवाजे हैं, उस 3 दरवाजों में से ये जो हम खड़े हैं वो दक्षिण दरवाजा है और यहाँ से भी यात्री दर्शन के लिए मंदिर में आते जाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि डालीबाई नामक एक महिला ने नाथ संप्रदाय में शामिल होने के लिए श्री कानिपनाथ महाराज की कठोर तपस्या की थी। फाल्गुन अमावस के दिन डालीबाई ने समाधि ली थी। समाधि लेते समय कानिपनाथ ने अपनी शिष्या को स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इसी समाधि पर कालांतर में एक अनार वृक्ष उग आया। कहते हैं कि इस पेड़ पर रंगीन धागा बांधने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कानिपनाथ महाराज के समाधि स्थल की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें।